डू यू सी एनी स्ट्रेस ऑन माई फेस? नो राइट? सो जो खरीदार थे वो पहले से क्वेश्चन में थे कि यार खरीदो कि नहीं, माइलेज कितना आएगा, हीटिंग कितना आएगा। तो अब मैं इस सवालों का जवाब देने वाला हूँ। माइलेज का सवाल तो दे चुका हूँ मैं, वो परफेक्टली 35 किलोमीटर्स मिला था। और अभी है हीटिंग इशू, वो बहुत सारे लोग बोल रहे थे हीटिंग इशू के बारे में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लॉग लाइक ऑन रोड साइड, लाइक पीपल आर जस्ट ट्रैवलिंग नेक्स्ट टू यू एंड नॉइज आता ही है। सो इट्स गोना बी अ क्विक रिव्यू ऑन द इट्स गोना बी अ क्विक अपडेट ऑन द हीटिंग इशू एंड हीट करती है। हाँ, हीट करती है। तो मैंने कंपनी और बेनेली के डीलरशिप में फ़ोन किया, पूछा तो क्या है इसका सीन क्या है। तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली जब इंजन जब मैन्युफैक्चर होता है तब 4 से 5 महीने तक ऑयल अंदर बहुत ठीक होता है, तो उसकी वजह से कूलेंट थोड़ा कूलिंग थोड़ा कम होता है, तो और हीट अप बहुत जल्दी हो जाता है। तो मुझे कुछ बात जमी नहीं उसके ऊपर, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट्स जो कि हैं ऐसा, मतलब बाय हार्ट तो नहीं किया, मतलब मुझे पता है कि क्या क्या इशू, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ। तो मैंने मोटरसाइकिल को कुछ बुरा नहीं बोला, क्योंकि टेस्ट राइड व्हीकल में मैंने एक क्लिप बता देता हूँ, टेस्ट राइड व्हीकल के अंदर मैंने क्या बोला था। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं अभी, कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से मेरे हाथ में नहीं है। थोड़ा राइड का राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा है एंड लेट्स सी। लेकिन अभी जब मैंने ओन करी है गाड़ी, तो इसका तो वेयर एंड टेयर मैं सबको बताऊँगा। तो आप एक सही चैनल पे हो, तो उसको मैं अभी तक का 236 किलोमीटर्स तक चलाया हूँ, और मैंने वन शॉट में 125 किलोमीटर्स भी चलाया हूँ। जैसे लिया था वैसे मैं लोनावाला एक राउंड मार के गया। तो हीटअप तो हुई थी, लेकिन इतना कोई साइन नहीं आया था। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है कूलेंट का, रेडिएटर्स का, वो इसमें यूज़ क्यों नहीं किया है? तो अभी ये तो सवाल तो कंपनी को पूछना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा कि उन्होंने एकदम रेट्रो स्टाइल रखा हुआ है। लेकिन हीटिंग अप का इशू होगा ही होगा। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, 120 किलोमीटर वन शॉट में चलाया विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट टेकिंग एनी हॉल्ट्स। तो अगर रेडिएटर की गाड़ी भी होती थी और लिक्विड कूलेंट भी होता था, तो भी एक 100 किलोमीटर के बाद गाड़ी को रुकाना ही पड़ता। सो व्हाट्स द पॉइंट बाय गेटिंग इनटू लाइक रेडिएटर एंड ऑल? जो कि 50% में डीलरशिप को ओके बोलता हूँ कि हाँ, अगर 5 मंथ से मेकिंग में इंजन बनाया है, उनमें ऑयल डाल के रखते हैं और ठीक होता है, उसकी वजह से हीटअप हो सकता है। एंड ऑल्सो वी शुड वेट फॉर द फर्स्ट सर्विस, और कंपनी क्लेम करती है फर्स्ट सर्विस के बाद ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी। So I will wait for my first service and then make a new video on heating issue again after the first service. Heating issue मतलब इतना भी हीट नहीं होती है कि आपकी पैंट जल जाए, आपके पैर जल जाए, वैसा ही हीटिंग नहीं। हीट होती है, हर इंजन हीट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिगर हीट हो ये सब हो। आफ्टर ऑल दैट्स अ मशीन, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। मेरी जो पहली गाड़ी थी वो थी बेनेली 300, उसके अंदर रेडिएटर एंड ऑल था। लेकिन अब मैंने सोचा कि एक रेट्रो क्लासिक खरीदा जाए, और इसको अपग्रेड तो नहीं बोलते, आई मीन वो तो स्पोर्ट्स एडिशन था, उसमें ऑब्वियसली रेडिएटर चाहिए ही है। ये तो एक स्टैंडर्ड क्लासिक सेगमेंट है, सो इसमें रेडिएटर नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वन शॉट में 120 किलोमीटर इसको किया है। तो हीटिंग इशू है, लेकिन आई विल सी आफ्टर द फर्स्ट सर्विस ऑफ इट। तो और भी कुछ इशूज़ है, जैसे कि रियर ब्रेक पैड, रियर ब्रेक्स यहाँ से भी आवाज़ आती है, किसी के वायरिंग, किसी के पेंटिंग के इश्यूज है। इंस्पायर्ड ऑफ पेइंग 10K एक्स्ट्रा टू द कंपनी एंड पेट में कुछ आ रहा है, वो एक नेक्स्ट व्लॉग बनने वाला है। अभी के लिए सिर्फ हीटिंग इशू के ऊपर ही था, एंड आई डोंट थिंक सो हीटिंग इशू इतना बड़ा इशू है कि गाड़ी ना लिया जाए। बट इट अप टू द राइडर व्हाट हिज राइडिंग स्टांस, व्हाट इज राइडिंग क्वालिटी ही लाइक्स। मुझे तो राइडिंग क्वालिटी इसके अंदर पसंद आया। और थोड़ी देर पहले कोई अदर ब्रांड, किसी को नाम मेंशन नहीं कर रहा, कोई और ब्रांड वाले भी थे, वो लोग भी देख रहे थे कि ये कौन सी गाड़ी है, एंड दे जस्ट टुक अ शॉर्ट स्पिन अराउंड 100-200 meters, उनको पसंद आया। ऑब्वियसली इट्स अ गुड मशीन। मैंने लिए मेरी बाप की नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ उसकी अच्छी है, मैंने इसे पैसा डाला हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी है, लेकिन जो बुरा होगा वो बुरा बताऊंगा जरूर, जैसे हीटिंग इशू अभी बताया है। ब्लॉग एवरी डे आई एम पुटिंग अप सम एफर्ट एंड पुटिंग वीडियोज अबाउट द बेनेली इंपीरियल 400। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अब जाते हैं घर पे। कैमरा कौन बाप लेगा मेरा।